एक थाई हॉरर फिल्म रातों रात सबसे बड़ी हिट बन गई है। ये थाई फिल्म इतिहास में दूसरी सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन गई। आज हम साथ में देखेंगे इस फिल्म साउंड सॉन्ग में ऐसा क्या खास है। कहते हैं कि ये थाईलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। स्थानीय लोग मानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा आसानी से रास्ता भटक सकती है, इसलिए किसी सम्मानित व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इसलिए अंत में अंतिम संस्कार का व्यवसाय आ गया। उन्हें न केवल परिवार को मदद करनी होती है बल्कि मृतकों को भी कैसे नहलाना और दफनाना है इसमें मदद करनी होती है। सोम का जीवन यात्रा समाप्त हो चुका था। वह सांसारिक विचारों को त्याग कर अगले जन्म के चक्र में प्रवेश कर गया। उस रात गांव की एक युवा लड़की सिया अज्ञात कारणों से घर में मृत पाई गई। जब परिवार उसे मिला तो बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय पहले ही लड़के ने उसे छोड़ दिया था। दफनाने वाले हुजुशु ने जब शव को निकाला तब पाया कि शव में 5 महीने की गर्भवती थी। कहते हैं कि गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद उसका शरीर जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उन्होंने युवाओं को जल्दी घर जाने के लिए याद दिलाया ताकि वे नापाक चीजों से बच सकें। हुजुशी के अनुसार अंतिम संस्कार सेवा में आने वाली पीढ़ी अब समाप्ति की ओर है। बड़ा बेटा एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और पूरे दिन काम में व्यस्त रहता है। टिम हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और 2 महीने बाद होने वाली बार परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टिम जब से छोटा था वो डरपोक था। यहाँ तक कि रात को नहाने के लिए भी उसे अपने बड़े भाई की जरूरत होती थी। भूख का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए वह अपनी पारिवारिक विरासत को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। जल्द ही छोटे भाई के लिए चुनाव के दिन आ जाएगा। हुजुशु ने अपने परिवार के हर सदस्य को एक चिट्ठी भेजी। फिर उन्होंने अंडे को हवा में उछाला। अगर अंडा फर्श पर गिरते ही टूट जाता तो इसका मतलब था कि बच्ची यहाँ दफनाए जाने के लिए तैयार है। कई बार कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुए। एक बार उसके पेट से परेशान उसका बदतमीज प्रेमी भी अंडा उछालता है। और फिर भी जब भिड्डे में एक आदमी संजय नाम का होता दिखाई दिया जो कि बच्ची का पूर्व प्रेमी था, उसने फिर से उसके लिए कुछ करने की सोची। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका फेंका हुआ अंडा सामान्यतः टूट जाएगा, इसलिए सांकी ने जोखिम उठाया। श्यामे के पास सोचने को अभी कुछ अधूरी इच्छाएं बची हैं। उसके दोस्तों ने उसे अधिक सोचने से मना किया, लेकिन सांची की सच्ची और ईमानदार भावनाओं के कारण अगर वह अपनी दादी के लिए धन बचाने के प्रयास में घायल नहीं हुई होती तो अगर कमीना आदमी इस समय का फायदा उठाकर आगे बढ़े तो हो सकता है कि वे दोनों सच में साथ रहने लगे। इसलिए वह अपनी दादी के पास गया और पूछा कि भूतों को कैसे देखा जा सकता है। दादी ने उसे 3 तरीके बताए। काले कुत्ते के आंसू उसकी पलक पर पहुंचे उसी दिन गांव वालों ने देखा कि सांजी काला कुत्ता लेकर पूरे गांव में दौड़ रहा था। शाम को सांजी छोटी मई के कपड़े लेकर उसके घर के दरवाजे पर आया ताकि किसी को पता न चले। हर हाल में सुनिश्चित किया उसने एक ही समय में 3 तरीकों का इस्तेमाल किया और उसने उसे निराश नहीं किया। वह चिल्ला रहा है, वह भविष्य चिल्ला रहा है। सांकी ने न सिर्फ छोटा मई को नहीं देखा बल्कि उसे पागल तक घोषित कर दिया। इसी समय कुछ युवा लोग कब्रिस्तान में केकड़े पकड़ रहे थे, लेकिन मुड़ते ही उन्होंने देखा कि श्यामे की आत्मा मृत आंखों से उन्हें घूर रही थी। कुछ प्यारे बच्चे सड़क पर कार का पीछा कर रहे थे। माँ को इस तरह लगा कि वो ठीक से सीखने में समर्थ थी और जोर से निंदा करने के लिए तैयार थी। बच्ची की आत्मा अक्सर लोगों के सामने दिखाई देती है, मानो वह यहाँ से बिना मर्जी के जा रही हो। संजय अपनी प्रेमिका की आत्मा से मिलने के लिए ही उसे छोड़े गया था। फिर न केवल मंदिरों में गुरु से मिले बल्कि सुना था कि जो भूतों को देख सकते थे उन आवारा लोगों ने भी हार मान ली थी। भूतों को देखना चाहने वाले लोग उन्हें नहीं देख पाए और जो नहीं देखना चाहते थे वे डर के मारे चिल्ला रहे थे। उस रात जब वह शख्स गहरी नींद में था अचानक एक आवाज से जग गया। उसने सिर उठाकर देखा तो छोटी माई की आत्मा उसके ऊपर खड़ी थी। हुजू शूचो लाशों को वापस भेजने का काम करते थे। उन्हें पता था कि टिम उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन गांव में अगर कुछ अजीब होता है तो उसे वहां ले जाया जाता है। वह जानने के लिए जाता है कि मृतक की मां क्यों दरवाजे पर खटखटाती है। उसके पिता ने उसे बताया कि यह मृतक राजा को जगाने की कोशिश है। उम्मीद है कि वे जाने से पहले परिवार के साथ एक और भोजन करेंगे, परिवार की गर्माहट महसूस करेंगे और फिर सुकून से जाएंगे। और मरने वालों को भी यही उम्मीद है कि उनका परिवार जल्दी दुख भूलकर सामान्य जीवन में लौट आए। केवल सबसे करीबी लोग ही एक दूसरे की खुशी, गुस्सा, दुख और खुशी को महसूस कर सकते हैं। एक अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के बदला लेने वाले ने शव पर मुक्के से हमला किया और किक मारी, जबकि पिता टिम से नाखुश थे क्योंकि उसने इसे नहीं रोका। हुजुशु का मानना है कि मृत व्यक्ति की दुश्मनी और नफरत को भुला देना चाहिए, जीवित लोगों को भी यही करना चाहिए।